सारा का सारा ये जो प्रॉफिट लॉस है ये आपका आधारित है परसेंटेज पर, प्रतिशत पे 5 टॉपिक हमारे आधारित हैं। एक तो खुद परसेंटेज ही है, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस है, तीसरा डिस्काउंट है, चौथा सिंपल इंटरेस्ट है और पांचवा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो पूरे परसेंटेज का पूरा पैक है ये। तो इसके अंदर आप लोग कोई नई बात मत सोचना कि आपको नई बात पढ़नी है, आप लोग अपने माइंड में ये बात सेट रखना कि आप लोग प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग पिछला वाला टॉपिक परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। ये वाली बात आपको अपने माइंड में सेट रखनी है, क्योंकि अगर आपने सेट ये अपने माइंड में बिठा लिया कि हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि हम दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, परसेंटेज दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको अपने माइंड में ये बिल्कुल नहीं बिठाना कि हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, हम लोग सब कुछ पहले वाला ही पढ़ रहे हैं, परसेंटेज। ठीक है, चलिए परसेंटेज के बारे में हम लोग सुनते हैं जरा, सॉरी प्रॉफिट लॉस के बारे में, पी एंड एल। भाई देखो, रिवाइज तो सब कुछ होता रहेगा, ठीक है, लेकिन एकदम ऐसे नहीं होगा रिवाइज के मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट अभी पढ़ाया लास्ट वीक, तो उसको मैं फिर मैं नेक्स्ट वीक पढ़ा दूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इससे इरिटेटेड हो जाएंगे। ठीक है ना, फोर्स नहीं खींच पाएगा सारे बच्चों का। और अभी कौन बोल रहे थे ये? चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में चार शब्दों का बच्चों यूज सबसे ज्यादा होगा, और वो शब्द आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने चाहिए, क्योंकि मैं दोनों में यूज करूंगा। तो पहले मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं जो चार वर्ड्स हैं वो कौन कौन से यूज होंगे चैप्टर के अंदर, अधिकतर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट आता है क्रय मूल्य की हम बात कर लेते हैं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के जुड़े हुए हैं वो आप याद रख लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखें, दोनों तरह के बच्चे। ठीक है, तो एक होता है क्रय मूल्य, इसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, और इसको शॉर्टकट में हम लोग सीपी से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको सब चीज बता रहा हूं, क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको सीपी से डिनोट करेंगे। और ये होता क्या है, जिस मूल्य पर कोई आर्टिकल परचेज की जाती है, जिस मूल्य पर कोई आर्टिकल यानी वस्तु परचेज की जाती है, खरीदी जाती है, वो कहलाता है हमारा क्रय मूल्य। मानकर चलिए हम एक पेन लाए बाजार से, मार्केट से एक पेन लाए, और उस पेन की जो कीमत है वो बच्चों 20 रुपए है, ये लीजिए। तो मेरे लिए, हम अपनी बात कर रहे हैं, मेरे लिए उस पेन का जो कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स वो 20 रुपए है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड है इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर विक्रय मूल्य। हाँ, विक्रय मूल्य इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेलिंग प्राइस, और शॉर्टकट में इसको बोलेंगे हम लोग एसपी। और ये होता क्या, विक्रय का तो आपने, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, रहता तो इंडिया में ही है, विक्रय तो एक कॉमन वर्ड है, आपने खूब नाम सुना होगा, टीवी देखते होंगे, न्यूज़पेपर देखते होंगे। ठीक है ना, तो विक्रय का मतलब होता है किसी चीज को बेचना। ठीक है, तो किसी चीज को बेचना यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाएगी, जिस मूल्य पर आप आर्टिकल को सेल करोगे वो कहलाएगा इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। मान लीजिए जो पेन हम 20 रुपए का लाए थे उस पेन को हमने 27 रुपए का सेल कर दिया, मान लीजिए, तो जो हम पेन लाए थे उसका जो सीपी था वो 20 रुपए था, हमने उसको बेच दिया 27 में, तो एसपी हो गया बच्चों 27 रुपीज। अब देखिए कॉमन सी बात है, जब भी आप कोई लेन देन करते हैं, जब भी आप कोई लेन देन करते हैं, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो किसी भी ट्रांजेक्शन में तीन केस बन सकते हैं, तीन केस के अलावा चौथा केस कभी बनेगा ही नहीं। तीन केस कौन कौन से बन सकते हैं, लेन देन का मतलब यहां पर यह है खरीदना और बेचना, क्रय और विक्रय, यानी खरीदो किसी माल को और उसको बेच दो। ठीक है, लेन देन का मतलब यहां पर यह। तो जब भी आप किसी माल को खरीदेंगे, खरीद करके बेचेंगे, तो तीन संभावनाएं ही हो सकती हैं, इसके अलावा चौथी कोई संभावना नहीं हो सकती। या तो आपको उस ट्रांजेक्शन में लाभ हो सकता है, या उस ट्रांजेक्शन में आपको हानि हो सकती है,
या फिर उस ट्रांजेक्शन में आपको नो लॉस और नो प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तीन ही कंडीशन बनेगी, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, नो लॉस नो प्रॉफिट। फिलहाल हम एक काम करते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट को हटा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन अभी डायरेक्टली वैसे नहीं बनेगा। हम लोग बस ये वाली दोनों बातें याद रखते हैं, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। चलिए माइंड में सेट कर लो, हम लोग प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। बार बार आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे अभी वही चीजें पूछने वाला हूं जो आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अभी हमने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन की थी पेन की, जिसमें हमने पेन को परचेज किया था स्टूडेंट्स 20 रुपीज का, और उसको सेल हमने कर दिया था 27 रुपीज का। तो आप देख सकते हैं इस ट्रांजेक्शन में जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है बच्चों 7 रुपए का। लेकिन अगर मुझे, अब देखो एक बात आती है, अगर मुझे इस वाले प्रॉफिट को, जो ये 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसको परसेंटेज में तब्दील करना हो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो कोई किसी विदेश से या किसी अन्य ग्रह से कोई नया नियम नहीं आने वाला, जो आपने लास्ट वीक पढ़ा है उसी से आप लोग फाइंड आउट करेंगे। और आपने अभी परसेंटेज के अंदर पढ़ा था कि जिस चीज का हमें परसेंटेज फाइंड करना होता है वो ऊपर आता है, तो आपको प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा डेफिनेटली। अब सवाल ये है, ये जो 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? ये 20 के रिस्पेक्ट में हो रहा है या 27 के रिस्पेक्ट में हो रहा है? यानी कोई भी व्यापारी, कोई भी लाला अपना प्रॉफिट या अपना नुकसान किससे देखता है, किसको बेस मान करके देखता है? तो उसका बेस होता है बच्चों ये वाला, हाँ सीपी। जितने की वो वस्तु खरीदता है उसी के आधार पर वो कंपेयर करता है कि उसे कितना लॉस हो रहा है या कितना प्रॉफिट हो रहा है। कोई भी व्यापारी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का कोई व्यापारी ऐसा नहीं होगा जो अपने प्रॉफिट को या अपने लॉस को एसपी से कैलकुलेट करता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि चाहे किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट हो, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपसे बोला गया है कि सूरज पूरब से उगता है तो मतलब उगता है, ठीक है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर व्यापारी हर क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस को जो कंपेयर किया जाएगा, जो जज किया जाएगा, वो हमेशा सीपी से किया जाएगा, हमेशा। और जब हमेशा की बात आ गई तो नीचे यहां पर सीपी आएगा और इनटू में 100। अब ये एक नया फॉर्मूला इजाद हो गया, नया फॉर्मूला बन गया, और इसे बनाने के लिए हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर का ही यूज किया है, और बना भी उसी से ही है। तो अब हम इस क्वेश्चन के अंदर अगर निकालना चाहें कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इसके अंदर कैसे बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बनेगा। ये बनेगा प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट था बच्चों 7 रुपए का, और सीपी था बच्चों 20, और इनटू में 100 हो जाएगा। इसे काट देंगे हम लोग 5 बार, और ये आ जाएगा बच्चों 35% प्रॉफिट। जी हाँ जी, 35% प्रॉफिट ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हमने, आप जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने पढ़ ली। अब हमें करना क्या है, अब जरा करने की बात सुनिए, करना क्या है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, यानी जीरो लेवल से मॉडरेट लेवल तक कवर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ तीन बातें ही आनी चाहिए बस, और ये तीनों की तीनों बातें मैं आपको प्रतिशत के अंदर भी सिखा चुका हूं। नंबर एक पर आपको बच्चों सीपी से एसपी फाइंड करना आना चाहिए। नंबर दो पर एसपी से आपको सीपी फाइंड करना आना चाहिए। और नंबर तीन पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करना आना चाहिए। ये देखो आना ही नहीं चाहिए, एक तो होता आना चाहिए, एक होता इतने परफेक्ट तरीके से आना चाहिए कि आप देखते ही बता दो कि क्वेश्चन में करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी प्रॉफिट लॉस कई बार पढ़ने के बाद भी इन्हीं में मिस्टेक करते रहते हैं, और जिनकी वजह से बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो हमें सबसे पहले बहुत परफेक्ट तरीके से इनको सीखना है, इन चीजों को सीखना है, उसके बाद ही हमें
आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब इनको सीखने से पहले एक बार जरा माइंड और सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें आगे चल के दिक्कत ना आए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, यहां से ही हमारा स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और लगभग जैसे मैंने बताया परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस भी बड़ा टॉपिक है। किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लिया करो भाई, मुझे माइक ऑफ ना करना पड़े, ठीक है। ओके चलिए स्टूडेंट्स, इस करेंसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपको सेट क्या करना है, सेट ये करना है फिलहाल कि किसी भी चीज का जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है वो 100% मानकर चलना है। ऐसा नहीं है कि 100 के अलावा कुछ और नहीं मान सकते, 100 के अलावा कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको 100 ही मान करके चलना है कि दुनिया की कोई भी चीज है उसका जो सीपी है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, जरूर चलिए स्टूडेंट, आज के आप आते हैं, कुछ बच्चे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार उनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है। इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या आजकल? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी चीज का आपने सीपी 100 मान लिया। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के आप लोग जवाब देना जरा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का जवाब देना, ठीक है। चलिए मैं जरा एक बार देख लेता हूँ कौन कौन जुड़े हुए हैं जरा। ठीक है भैया आशुतोष, आशुतोष आवाज सुन रहे हो? ठीक है, जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हो, जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? नहीं मेरे, हाँ 100% मतलब परसेंटेज में बोलोगे ना, मैंने रियल नहीं पूछा, मैंने तो परसेंटेज की बात की है। वेरी गुड, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो उसका सीपी आपके लिए तो 100% है, ठीक है, क्लियर। ओके इसी तरह से आपको बोलना सीखना है, चलो ठीक है। आयुषी आवाज सुन रहे हो? नहीं आयुषी, आ रही है, ठीक है। अच्छा ये बताओ आपके घर में जो छत वाला पंखा लगा हुआ है इसका सीपी कितना है? आयुषी को लग रहा आवाज नहीं आ रही, चलिए ठीक है ओके। निशांत पाल आप बताओ भाई, जो आपके घर में छत वाला पंखा लग रहा है उसका सीपी कितना है? वेरी गुड 100%। एक बात आप अपने माइंड में सेट कर लो, दुनिया की हर चीज का कॉस्ट प्राइस 100% होना है, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात करते हैं इनको सेल करने की, इनको बेचने की बात करते हैं, चलिए इनको बेचते हैं, ठीक है ना, इनको बेचने की बात करते हैं बच्चों। जब आप किसी आर्टिकल को बेचोगे तो वहां पे दो ही लॉजिक होंगे, या तो आप आर्टिकल को प्रॉफिट पर सेल करोगे या फिर आप आर्टिकल को लॉस पर सेल करोगे, दो ही कंडीशन होंगी। या तो आप आर्टिकल को स्टूडेंट्स प्रॉफिट पर सेल करोगे या फिर आर्टिकल को आप लॉस पर सेल करोगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं आर्टिकल को बच्चों 20% प्रॉफिट पर सेल करता हूं, मान लीजिए, तो वो आर्टिकल कितने परसेंट की बिकेगी, सवाल ये उठता है। तो साफ है बिल्कुल, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, कोई चीज 100 रुपए की आप खरीद कर लाए हैं, 20 का आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल बिकेगी बच्चों 120% की, ये लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप किसी आर्टिकल को जो है 10% लॉस पर सेल करना चाहते हैं, 10% लॉस पर, तो वो आर्टिकल कितने की बिक जाएगी, जवाब दो कोई भी जो दे सकता है। 90% की, वेरी गुड एक्सीलेंट, हाँ 90%, वेरी गुड। यानी कि आप देखें जरा एक चीज, यहां पर देखें इस चीज, जज करें जरा एक चीज को, जो आपका कॉस्ट प्राइस है ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो 100 ही रहने वाला है हर बार हर दशा में हर क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है
वो हर बार सेम नहीं होगा, वो हर बार अलग अलग होगा, और वो डिपेंड किस पे करेगा मुझे ये बता दो। वो डिपेंड करेगा कितने प्रॉफिट पर सेल कर रहे हो या कितने लॉस पर सेल कर रहे हो। भाई मान लो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी वाले क्वेश्चन में आपसे बोलूं कि 25% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो ये फिर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स 125% हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं 30% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 130% हो जाएगा। हाँ, मैं आपसे बोलूं 20% लॉस पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी 80% होगा। मैं आपसे बोलूं 25% लॉस पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप बोलेंगे 75% होगा। यानी दो कंक्लूजन निकले। अब जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपके माइंड में बात सेट हो जानी चाहिए। कंक्लूजन दो निकले कि कॉस्ट प्राइस तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, हमेशा 100%। कॉस्ट प्राइस कभी 90, 80, 70, 75 नहीं होगा, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज होता रहेगा। और चेंज किस आधार पे होगा, कितने प्रॉफिट और कितने लॉस पर बेच रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये बात कुछ क्लियर हुई या नहीं हुई ये बता दो मुझे बस सब लोग। ठीक है, अभी हम तीन बातें सीखेंगे। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो आज इतना कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं वो पुराने वाली बात ही बताऊंगा, सही है ना। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ते रहोगे तो कई सारे क्वेश्चंस के मेथड आपको चेंज मिलेंगे। मेथड थोड़े हमने चेंज कर दिए हैं, और जो इसका प्रैक्टिस करना होगा उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो तीन चीजें हमें सीखनी थी। नंबर एक, सीपी से एसपी फाइंड करना, सीपी से एसपी फाइंड करना। नंबर दो, एसपी से सीपी फाइंड करना। और नंबर तीन, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं। इसके लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर ही लिखूंगा, क्योंकि आज पीडीएफ इसके अंदर मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि मेरा माइंड था आज दूसरी चीज पढ़ाने का वीडियो के थ्रू। लेकिन वीडियो की कहानी ये थी, मुझे पता था कि वीडियो के अंदर ही प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर वीडियो के थ्रू पढ़ाइए। क्योंकि वीडियो के थ्रू पढ़ाने में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो इंटरनेट है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। मोबाइल वाले इंटरनेट से आप कभी भी लाइव क्लास वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ सकते कहीं पर भी, क्योंकि इंटरनेट और मतलब जो मोबाइल वाले इंटरनेट है इतना स्ट्रांग नहीं होता। आपको ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। जो यूट्यूब पे आप लाइव क्लास पढ़ते हैं, वो अगर यूट्यूब पे वैसे पढ़ते हो तो रिकॉर्डेड क्लास होती है, वो तो पढ़ सकते हो। लेकिन जो डायरेक्ट लाइव क्लास होती है, जो पेड कोर्स के थ्रू की जाती है, उसमें भी आप मोबाइल के इंटरनेट से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ब्राउजिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आती है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब हमारा जो पहला टाइप है स्टूडेंट्स, वो ये है कि फर्स्ट टाइप के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि सीपी से कैसे हमें एसपी फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट टाइप हमारा ये रहेगा। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, स्क्रीन पर। एक वस्तु बच्चों आर्टिकल का, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी लिख देंगे यहां पर, कुछ भी 1200 रुपये है ये लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो इसका एक मिनट रुक जाओ, तो इसका 20% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस बताइए। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हों वो अपना कन्वर्ट कर लें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1200, और फाइंड आउट इट्स सेलिंग प्राइस एट 20% गेन या प्रॉफिट। ठीक है, चलिए। हाँ बहुत आसान है, मैंने बताया अधिकतर बच्चों के लिए क्लास आसान है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं या बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं, तो वो एक उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और मेरी मजबूरी है कि मुझे बेसिक से लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं पता कौन स्टूडेंट्स कैसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए।
अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, कैसे करेंगे देख लीजिए। इसके अंदर मुख्य मुख्य पॉइंट नोट आउट कर लो, कॉस्ट प्राइस तो 1200 है, एक ये वाला आउट नोट आउट कर लो, और सेकंड 20% प्रॉफिट पर आपको बताना है सेलिंग प्राइस। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये लो भैया, ये जो है प्लीज थोड़ा सा सीरियस होके क्लास के अंदर बैठोगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर सीपी आपको दिया है 1200, प्रॉफिट है इसके अंदर 20% और आपको बताना है सेलिंग प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बताना है आप लोग, क्लियर। फेस टू फेस का रूल लगा सकते हो, ये लो। और फेस टू फेस का रूल क्या कहता है देखते हैं। चलिए, ये जो 1200 आपको दिया है इसको लिखोगे राइट में, ये सब चीजें परसेंटेज के अंदर बता चुके हैं। और ये क्या है, जैसे मैंने बोला क्या है, तो आपको अपने माइंड में भी सोचना है कि क्या है आखिरकार। ये जो 1200 है, 1200 है, हाँ सुनिए पहले मेरी बात को, कि जो 1200 है, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जो 1200 है ये क्या है, इसको थोड़ा पढ़ना सीखो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, 1200 को फोकस करेंगे, बस 1200 को फोकस मत कीजिए। 1200 क्या है, ये चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, सीपी है, एसपी है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या चीज है। तो आपका माइंड खुद जवाब देगा जी ये तो सीपी है। और जब ये सीपी है तो हम लोग सीपी के सामने सीपी लिखेंगे। और अभी अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हर वस्तु का जो सीपी होता है वो 100% होता है, बिल्कुल फिक्स है। और देख सकते हो परसेंटेज के अंदर भी मैंने ये चीजें सब बताई थी आपको। अब आपको सेलिंग प्राइस बताना है, और सेलिंग प्राइस डिपेंड करता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं है। कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है कि 100 रहेगा हमेशा, लेकिन सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं है, सेलिंग प्राइस वेरिएट होता रहेगा। और जो वेरिएट होगा वो डिपेंड करेगा प्रॉफिट और लॉस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20% बच्चों प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो 120% होगा। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। भाई मेरी तरफ से तो ओके है चीजें, आशुतोष कई बार हो जाती होगी प्रॉब्लम सिग्नल वगैरह में, भाई इसे काट दो। और ये 1440 हमारा आंसर आ गया। या फिर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके बच्चों कंपैरिजन कर सकते हो, ये वाला जो 1200 है, ये वाला जो 1200 है, भैया मेरे को आवाज नहीं आ रही, अब भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं, सबसे बड़ी बात ये है। 1200 जो है ये वाला बच्चों, 1200 जो है 1200 है, ये 100 का कितना टाइम्स है, तो आप अगर देखेंगे तो ये 100 का 12 टाइम्स है। और यहाँ पे भी हम इसका 12 टाइम्स कर देंगे, तो 120 का 12 टाइम्स करने पर आ जाएगा 1440। तो चलिए देखते हैं जरा, सभी को क्लियर हुई बात नहीं हुई, मोबाइल फिर किसी ने ऑन कर लिया। अनुज तोमर जी सबसे ज्यादा अपना मोबाइल ऑन करते हैं। चलिए भैया, एक इसमें आज जुड़े हैं नए पर्सन, जो जिनकी आईडी आ रही है जाट देवता के नाम से, ये कौन है भाई? जी कौन? नितिन भाई, आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है, अभी समझ में नहीं आ रही बात। लिख के बता दो, उसमें चैट कर दो, चैट पे लिख करके दे दो, है ना। हाँ चैट में लिख दो, चैट का ऑप्शन आ रहा होगा उसके अंदर, एक लिख दो मुझे, है ना। एक इसमें जुड़े हैं रजित, रजित कुमार, तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताओ जरा मुझे। रजित कुमार, रूपल बालियान, रूपल बालियान आ गया समझ में, चलिए ठीक है ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और भी कर सकते हैं।
इसमें हम लोग एक तरीके से स्कोर भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सीपी को आप देख सकते हैं, सीपी को हम यहाँ पर जो मान करके चले हैं बच्चों, वो मान के चल रहे हैं 100। तो जरूरी नहीं है, कसम नहीं खाली कि सीपी को 100 मान के चलना है, सीपी को 200, 300 ये सब मान के चल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं बच्चों। फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? चलिए, फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे करेंगे। अभी परसेंटेज आपको पढ़ाया था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी बच्चों। मैं क्वेश्चन को दोबारा पूरा रफी कर देता हूँ। ये लो, क्वेश्चन में सीपी था 1200, प्रॉफिट था स्टूडेंट्स 20%, एसपी फाइंड आउट करना था। तो इस 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, और जब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 20/100 होगा, काट दोगे तो 1/5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/5 के बराबर, ठीक है? अब इस 1/5 का क्या मतलब है वो सुन लो, पढ़ना सीखो हर चीज को बच्चों। 1/5 का मतलब है, अगर कोई वस्तु 5 रुपए की है तो आप उस पे 1 रुपए का प्रॉफिट लोगे, यानी 5 रुपए वाली वस्तु पर आप 1 रुपए का प्रॉफिट लोगे। मतलब 5 रुपए अगर सीपी है तो प्रॉफिट होगा बच्चों 1 रुपया। तो रूल तो वही लगाएंगे हम लोग फेस टू फेस का रूल। तो भाई एक बार बता दूं, अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाएं तो सब लोगों को दोबारा जुड़ना है, ठीक है? ये मैं बता, कई सारे बच्चे ओके हो गया डिस्कनेक्ट, ठीक है? जी अनुज, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है शिवम, आवाज आ रही है? चलिए स्टूडेंट्स, बस एक दो स्टूडेंट्स रह गए हैं, वो जुड़ रहे हैं, और हो गए पूरे 22 थे शायद आज जुड़े थे, 22 23। चलिए भाई स्टूडेंट्स, भाई प्लीज अपने माइक को ऑफ रखो। शिवम, भाई चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था ये, अभी और स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है? राहुल साहब, अभी जो क्वेश्चन था वो आपको बताया था, ये था कि सीपी था स्टूडेंट्स 1200, और प्रॉफिट था 20%, यानी 1/5, और एसपी आपको फाइंड आउट करना था। तो इस 1/5 का मतलब समझना था, 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब होता है कि 5 रुपए की वस्तु पर आप 1 रुपए का प्रॉफिट लेंगे। तो 5 रुपए की वस्तु यानी 5 रुपए बच्चों सीपी हो गया, और 1 का प्रॉफिट लोगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे फेस टू फेस का नियम लगाएंगे। तो 1200, देखो चीज वही चल रही है, बस यहाँ पे 100 मान करके नहीं चले हम लोग। ये 1200 जो 1200 दिया है सीपी है, सीपी के सामने सीपी आएगा, ठीक है? तो पहले हमने सीपी को 100 लिया था, लेकिन इस बार सीपी को हम लेंगे ये वाली वैल्यू 5। तो अगर सीपी ये 5 है, हमने 5 यहाँ लिख दिया, तो अब एसपी कितना होगा? तो जब आपने 5 रुपए की वस्तु पर
जब आप लोगों ने 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपया प्रॉफिट लिया है, तो सिंपल सी बात है, वस्तु आपने कितने की बेची है? 6 की बेची है। और हम कर देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों मेथड बच्चों आने चाहिए, देखो तभी एक्सपर्ट बनोगे। यही प्रॉब्लम है कि हम लोग एक मेथड सीखते हैं और वो मेथड कहीं तो अच्छा लगता है और कहीं वो मेथड बेकार हो जाता है, क्योंकि हर मेथड हर जगह पर अच्छा नहीं होता है, मेथड हर जगह पर बुरा नहीं होता है। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ये इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 1440। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने दोनों तरीके से किया, रेशो में कन्वर्ट करके भी कर लिया और 100 मान करके भी कर लिया। दोनों से करना आना चाहिए, ये छोटे छोटे खेल खेलने आपके आने चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्या कह रहे हो? हाँ, इसमें बता रहा हूं मैं बिल्कुल एकदम। तो देखो 1/5 जो हमारा आया था, 1/5 को पढ़ने का तरीका आना चाहिए बस। जिस दिन हमें 1/5 को पढ़ने का तरीका आ गया, उस दिन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो 1/5 प्रॉफिट का मतलब ये है, अगर आपने मतलब कोई 5 रुपए वाली वस्तु है, तो 5 रुपए वाली वस्तु पे आप 1 रुपया प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो 5 रुपए होगा ये हमारा सीपी होगा, और जब 5 रुपए की वस्तु पर आप 1 रुपया प्रॉफिट ले सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप उस वस्तु को सेल करोगे 6 रुपए का। भाई आपके पास कोई पेन रखा हुआ है, वो 5 रुपए का है, आप उस पर 1 रुपया प्रॉफिट लेना चाह रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वस्तु को 6 रुपए का सेल करोगे तभी तो 1 रुपया प्रॉफिट आप कमाओगे। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 6 रुपए आएगा, और कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 5 रुपए होगा। क्लियर बात है? चलिए और अभी और कुछ एग्जाम्पल आएंगे तो और धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है। सीपी हम मान लेते हैं बच्चों कुछ भी एक्स वाई जेड 2500 मान लेते हैं, ये लो, और प्रॉफिट ले लेते हैं यहाँ पे बच्चों 25%, और आप लोगों को बताना है सेलिंग प्राइस। जैसे भी करना चाहो, 100 से करना चाहो 100 से, या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना चाहो तो 1/4 बनेगी फ्रैक्शन। 1/4 का मतलब 4 रुपये सीपी होगा, तो प्रॉफिट होगा 1 रुपये, ठीक है? ये चीज जवाब दीजिए मुझे जरा फटाफट जल्दी, मैसेज के थ्रू जवाब दीजिए, मैसेज करिएगा जिसका जो भी आंसर आए। मोहित सिद्धार्थ का सबसे पहले आंसर आया 3125, 3125। ट्राई कर लो भाई सब लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3125, 3125, 3125। प्रतीश, दीपक कुमार 3125, अभिषेक 3125, वेरी गुड। बस यही आंसर है कि अनुज तोमर 3125, वेरी गुड। पारुल बालियान, ओके। निखिल चौधरी, ठीक है। ये निखिल चौधरी कौन जुड़े हैं आज भाई? निखिल बताएं, निखिल चौधरी कौन जुड़े हैं आज? ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। शुभम के साथ वाले, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस निखिल, ओके ओके, थैंक्स। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल शेयर कर देना, क्योंकि अगर ये 1-2 दिन की क्लास स्टार्टिंग की बेकार रह गई ना, तो पूरा टॉपिक ही बेकार चला जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन वो लिखता हूँ स्टूडेंट्स। सीपी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 3000, ये लो, और इस बार लॉस लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 20%, और सेलिंग प्राइस बताना है बच्चों। 100 मान के भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। 5 पर 1 रुपए का लॉस, तो मतलब वस्तु बेचोगे आप 4 की, ठीक है? 2400, 2400, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, सबका जवाब आ रहा है, ठीक, वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़िया चल रहा है। ओके, ओके, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। राहुल साध 2400, ठीक है, ओके। अच्छा मैं एक क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल देता हूं, देखते हैं तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपका माइंड कितना काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक आर्टिकल है बच्चों और उसका सीपी हम लिख लेते हैं 5000, ये लीजिए, ठीक है। अब आगे वो बोलेगा सीपी के 1/10 प्रॉफिट पर, सीपी के 1/10 प्रॉफिट पर एसपी क्या होगा। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन ये बन जाएगा एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस वो 5000 है, आगे बोल देगा सीपी के 1/10 प्रॉफिट पर एसपी क्या होगा। हाँ तो देखो इस, हाँ सुन लीजिए, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, उसने आपका काम आसान किया है, एक मिनट सुन लीजिए, उसने आपका काम आसान किया है, भारी नहीं किया है। उसने बोला है सीपी का 1/10, तो 1/10 का मतलब हो गया अगर 10 रुपए सीपी होता है तो उस पर आप 1 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। तो 5000 आपको दिया है बच्चों सीपी, ये लो, और सीपी के सामने सीपी लिख दोगे 10 लिखा जाएगा, सीपी के सामने सीपी 10, और 10 पे आपने 1 रुपए का प्रॉफिट लिया है तो बच्चों 11, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग तो हमारा जवाब आ जाएगा 5500, ये लीजिए। अच्छा एक बात सुनना, एग्जाम में कई बार क्या करेगा वो, कई बार यहां जहां सीपी लिखा है वहां पे सीपी ना देके एसपी भी दे सकता है, लेकिन मैं अभी उस बात को जिक्र नहीं कर रहा, उस बात को जिक्र करेंगे हम आगे, अभी हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जिक्र करेंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, तो अभी तो आप अपने माइंड में रखो सीपी ही आना है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट हम लोग सीखते हैं, सेकंड टाइप हमारा जो रहेगा बच्चों वो रहेगा एसपी से सीपी हमें फाइंड करना है, एसपी से सीपी फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो एसपी से सीपी फाइंड करते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक वस्तु को, क्वेश्चन चाहे तो आप लोग नोटबुक पे हैंड साथ के साथ भी लिख सकते हैं, एक वस्तु को, एक आर्टिकल को, ठीक है, 4800 रुपए में बेचने से, 4800 रुपए में बेचने से 20% का प्रॉफिट होता है तो सीपी फाइंड आउट करिए, तो सीपी ज्ञात करिए। क्वेश्चन ये है, एक वस्तु को 4800 रुपए में बेचने से 20% का प्रॉफिट होता है तब सीपी बताइए। क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, 100 मान के, हाँ एक मिनट प्लीज जरा, 100 मान के भी किया जा सकता है, अरे बोला मत करो, बोलो मत भाई, प्लीज साइलेंट रहिए। तो क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आपने देख लिया क्या है क्वेश्चन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे देख लीजिएगा, एसपी दिया है आपको 4800, प्रॉफिट है बच्चों 20%, सीपी फाइंड आउट करना है। मैं आपको पहले 100 से करके दिखा रहा हूं, फेस टू फेस का नियम लगाएंगे जो आप परसेंटेज के अंदर सीख चुके हो, 4800 4800 आपको दिया है, लेकिन ये क्या दिया है जरा एक बार अपने दिमाग से सवाल कर लो कि 4800 क्या दिया है, तो ये दिया है आपको एसपी, एसपी के सामने एसपी लिखेंगे बच्चों, और अभी आपने पढ़ा था एसपी वेरिएट रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, और डिपेंड करता है इस प्रॉफिट पर। तो अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत में एसपी जो होगा वो 120% होगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट है,
तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों 120% ये लो, और सीपी बच्चों कितना 100% ये लीजिए, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर कंपैरिजन कर लो, ये वाला नंबर इस वाले 120 का बच्चों 40 गुना है, 40 टाइम्स है, तो इसका भी हम लोग 40 गुना कर देंगे और जवाब आ जाएगा बच्चों 4000, जवाब आएगा 4000, 4000। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ये छोटे छोटे मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल करने जिस दिन सीख जाओगे उस दिन मैथमेटिक्स में तेज हो जाओगे। मैथमेटिक्स को तेज करने का सबसे आसान तरीका, प्रैक्टिकल करते रहो छोटे मोटे, कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ जाने रहा अपनी तरफ जेब से, कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में 20% को कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो 1/5 बनेगा। 1/5 को पढ़ना सीख लो, ये काम यही नहीं आएगा कि इसी चैप्टर में काम आ रहा है, हमेशा काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा। 1/5 का मतलब होता है 5 रुपए पर 1 रुपए प्रॉफिट लेना, यानी 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का प्रॉफिट लेना। तो हाँ, अब चलिए फेस टू फेस का रूल लगाते हैं, वही 4800 और 4800 बच्चों एसपी, एसपी के सामने लिखेंगे हम लोग एसपी। चलिए जब आप 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट लेंगे तो वस्तु कितने की सेल करोगे? 6 की सेल करोगे, सिंपल सी बात है, आप 5 पर 1 का प्रॉफिट लेंगे तो वस्तु हम 6 की सेल करेंगे, और वस्तु का सीपी कितना होगा बच्चों 5 रुपए, यहां लिख देंगे 5, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे या कंपैरिजन कर लेंगे, तो 6 × 8 = 48, ये इसका हो जाएगा बच्चों 800 गुना, इसका भी 800 गुना कर लेंगे, तो 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा बच्चों 4000। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ सभी बच्चों से कि छोटे मोटे खेल करने आने चाहिए, यानी मैथमेटिक्स पे, यानी कि लीनियर वर्कआउट करना है, कि एक ही चीज पर चलना है, कि छोटे मोटे प्रैक्टिकल करते रहा करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स 6000, और इस बार नहीं बना रखी है, लेकिन मैंने आज इसके अंदर मतलब मोबाइल में नहीं डाली पीडीएफ, है ना। हाँ, मेरे माइंड में ये था सुबह से कि मैं आज आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ट्राई लूंगा, तो मेरा था आज कि तुम्हें डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा दूंगा एक दिन के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में कई सारे बच्चों के पास वीडियो रुक रुक के जाने लगी, तुम्हारे पास भी आने लगी, तो मुझे सडनली चेंज करना पड़ गया प्रोग्राम, है ना। हाँ, पीडीएफ बनी हुई है, पीडीएफ मैं आपको भी थोड़ी बहुत देर में सेंड कर दूंगा ना। हाँ ठीक है, चलिए बच्चों प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे इस बार लॉस ले लो, प्रॉफिट मत लो, लॉस 25%, और आपको सीपी फाइंड आउट करना है, आपको सीपी बताना है बच्चों, आपको बच्चों सीपी बताना है, जवाब देने की कोशिश करो आप लोग ही। 8000 लिख दिया करो, लिख दिया करो, लिख दिया करो, लिख दो, मैसेज कर दो, 8000 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। फ्रैक्शन से करोगे तो 1/4 बन जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 का मतलब हो गया 4 रुपए सीपी होगा, तो 1 रुपए लॉस के साथ बेचोगे, तो यानी 3 की बेचोगे, और 3 को बराबर रख दोगे 6000 के बच्चों, और सीपी फाइंड आउट करना है तो सीपी नीचे 4 लिख दोगे, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या कंपैरिजन कर लो, तो 2000, और ये 2000 आशुतोष ने बड़े स्टाइल में लिखा है 8K, तो आपका जवाब आ जाएगा बच्चों 8000, यानी कि 8K। चलिए दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम लोग नया। एक अब ध्यान से सुनना प्लीज इस वाले क्वेश्चन को, एक वस्तु को, जो बच्चे लिखना चाहे लिख भी लें आप लोग साथ साथ, एक वस्तु को, एक आर्टिकल को 4500 रुपए में
बेचने से अपना माइक बंद कर लो भाई, जिसका भी माइक होना है। 4,500 रुपये में बेचने, अरे मैंने बोल तो दिया मेरे भाई, 4,500 रुपये में बेचने से 10% का लॉस होता है। लॉस होता है, ठीक है, तो 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर इसका आंसर मत बोला करो पहले भाई, आंसर नहीं बोलना किसी को भी यार। ये सह नहीं बन रहा, इसमें सह क्यों नहीं बन रहा, बन गया। इसका सेलिंग प्राइस बताइए, क्वेश्चन मार्क। तो एक क्वेश्चन हमने ये लिखा है, एक वस्तु को 4,500 में जब बेचते हैं तो 10% का लॉस होता है, तो 20% प्रॉफिट पर इसका एसपी बताइए, ठीक है। चलिए सारी चीजें नोट कर लो, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डाटा वो ये वाला है बच्चों, 10% लॉस और 20% प्रॉफिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं जरा। तो इसके अंदर सेलिंग प्राइस आपको दिया है बच्चों 4,500, और 4,500 पर जब बेचेंगे तो 10% का लॉस होगा, ध्यान रखना। यानी ये वाली चीज इसके साथ जुड़ी हुई है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब वो कहता है इसका दोबारा से सेलिंग प्राइस बताओ, और वो भी 20% प्रॉफिट पर। यानी ये 20% जो प्रॉफिट है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फेस टू फेस का नियम लगा देंगे बच्चों, 4,500 हम यहां लिखेंगे और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सामने हम लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे, और ये बताओ 10% लॉस पर सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। 10% लॉस पर जो सेलिंग प्राइस बनेगा बच्चों वो बनेगा 90%, ये लीजिए। अब अगर वो आपसे कहता कि इसका कॉस्ट प्राइस बता दो, तो हम नीचे 100% लिखते जैसे हमने पहले वाले दोनों क्वेश्चन के अंदर लिखा था, लेकिन वो आपसे सेलिंग प्राइस नहीं, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा, वो आपसे दोबारा से सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, और जो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है बच्चों वो पूछ रहा है 20% प्रॉफिट पर। यहाँ पूछ रहा है 20% प्रॉफिट पर आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 120%। हाँ, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या कंपैरिजन कर लो, तो ये इसका बच्चों 50 गुना है, 50 टाइम्स से इसका भी 50 गुना कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, ये तो हमने क्वेश्चन को 100 मान के करा, जब हम इस क्वेश्चन में सीपी को 100 लेकर के चले, अब मैं इस वाले क्वेश्चन को रेशो से करूं तो क्या होगा, तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं क्या करोगे इस क्वेश्चन को अगर रेशो से करोगे तो। जी बोल दीजिए अभिनीत। ना ना ऐसे नहीं करेंगे कुछ भी, बता रहा हूँ क्या करेंगे, है ना। हाँ वही चीज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। हाँ सीपी से फिर अगेन एसपी निकाल सकते हो, वो तो एक मेथड है ही अभिनीत, लेकिन एक मेथड मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। वो मेथड आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज सब लोग। तो सीपी तो 5,000 आ जाएगा इसका, यहाँ 100 लिख दोगे, ये यहाँ जहां 120 लिखा वहां पे 100 लिख के 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5,000 इसका सीपी आ जाएगा, ठीक है डियर। चलिए अब इसे देखते हैं, अगर हम इसे 100 मान के नहीं करते, यहाँ पे हमने सीपी माना 100, सीपी को 100 नहीं मानते तो क्या करें हम, देखते रहिएगा आप लोग। सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है बच्चों 4,500, और लॉस पहले जो दिया गया है वो दिया गया है 10%, ये लीजिएगा लॉस है 10%, और फिर आपसे प्रॉफिट, सॉरी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है फिर आपसे, और वो पूछ रहा है बच्चों 20% प्रॉफिट पर।
अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं बच्चों, तो 10% का फ्रैक्शन सब कोई जानते हैं कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। और 20% का फ्रैक्शन जो जानते हैं वो होता है बच्चों 1/5। अब यहाँ पे समस्या ये है, अगर आप इसको रीड करते हो तो इसका मतलब होता है 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लॉस, और अगर आप इसको रीड करते हो तो इसका मतलब होता है 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट। अब यहां तो भैया दो बातें अलग अलग हो गई, जबकि वस्तु तो एक ही है। पहली वाली बात कहती है कि वस्तु का सीपी 10 रुपए है, दूसरी वाली बात कहती है वस्तु का सीपी जो है वो 5 रुपए है। और जबकि मैंने बताया था कि सीपी हमेशा एक ही रहता है, अगर एक आर्टिकल है तो उसका एक ही सीपी होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग सीपी ये अलग अलग बैठ रहा है, यहाँ 10 और यहाँ पे 5। तो आप एक काम करो, अब सीपी तुम्हें चाहिए एक वैल्यू में, ये डबल वैल्यू में सीपी नहीं चाहिए कि एक बार तो 10 कह रहे हो, एक बार 5 कह रहे हो। तो एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इस वाले 10 का और इस वाले 5 का एलसीएम ले लो, और इन दोनों का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो आएगा 10। बोलो यस या नो। इस कंडीशन में जहां तुम्हारे दो सीपी बन रहे हो तो वहां पे इन दोनों सीपी का एलसीएम ले लो 10, और इसमें सीपी को तुम 10 मान करके चलो कि सीपी हमारा 10 है। तो अज्यूम कर लो कि सीपी इस क्वेश्चन के अंदर 100 नहीं है, सीपी इस क्वेश्चन के अंदर कितना है बच्चों, वो है 10। चलिए अब हम लोग फेस टू फेस का नियम अप्लाई करते हैं। 4500 यहां लिखेंगे, ये हमारा एसपी है, एसपी के सामने एसपी आएगा बच्चों, और एसपी है 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लॉस, और यहां पे हमने वस्तु को 10 रुपए ही माना है, तो 10 की वस्तु पर 1 रुपए का लॉस, यानी वस्तु बेची आपने 9 रुपए की। सिंपल सी बात। अब आपको बताना है सेलिंग प्राइस इतने परसेंट प्रॉफिट पर, फ्रैक्शन है ये रहा 1/5 का, मतलब 5 पर 1 का प्रॉफिट। जब 5 पर 1 का प्रॉफिट, तो मुझे ये जवाब दो आप सब लोग, 10 पे कितना प्रॉफिट। जब हम कह रहे हैं कि 5 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, तो 10 रुपए की वस्तु पे कितना प्रॉफिट लेंगे, 2 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, वेरी गुड। और जब 10 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, तो वस्तु सेल करेंगे 12 रुपए की, ये लीजिएगा। और अब कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन वेरी इजी, ये इसका 50 टाइम्स और इसका भी 50 टाइम्स, और हमारा जवाब बच्चों कितना, एक बार और समझा दूं, चलो ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि कई क्वेश्चन के अंदर ये मेथड भी काम करेगा। इसमें क्या हुआ दीपक, मैं सारा चीज दोबारा से रफ कर रहा हूं और थोड़ी सी ताकत और लगाता हूं समझाने में, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ ही कर देता हूं पूरा, दोबारा से लिखता हूं सब चीजें। यहां पर सेलिंग प्राइस था पहले 4500 रुपीज, जिस पर लॉस हुआ था आपको 10% का। आपको अगेन एसपी बताना था इसका, और वो भी 20% प्रॉफिट पर। हमें क्या करना है इसके अंदर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 1/10, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 1/5। अब दीपक होता क्या है, अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो बात कुछ और निकल करके आती है, इसको पढ़ता हूं तो बात कुछ और, बात का मतलब सीपी कुछ और निकल करके आता है। जब इसको पढ़ता हूं दीपक, तो ये कहता है कि 10 पर 1 का नुकसान, यानी अगर वस्तु का सीपी 10 है तो आपको 1 का नुकसान हो रहा है। हाँ बताऊंगा, अभी बता रहूंगा। और इसमें कहता है, इस लाइन में कहता है कि 1/5 का प्रॉफिट, यानी 5 अगर सीपी होगा तो 1 प्रॉफिट होगा। अब तुम देख सकते हो एक ही क्वेश्चन में एक ही वस्तु के, क्योंकि यहां क्वेश्चन भी एक है वस्तु भी एक है, और 2 सीपी निकल करके आ रहे हैं दीपक, देख रहे हो तुम यहां पे, यहां तो सीपी आ रहा है 10, यहां सीपी आ रहा है 5, ये गलत है। अगर ये दोनों सेम होते तो मुझे कोई फर्क नहीं था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब ये जो अलग अलग आ गए ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक बनाने के लिए, इनको एक बनाने के लिए हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे इनका, और 10 का और 5 का जो एलसीएम आएगा दीपक वो 10 आएगा। तो इस क्वेश्चन में सीपी को हम 10 मान करके चलेंगे। दीपक कुछ क्लियर है बात, नहीं बताओ जरा पहले, ठीक है।
तो माइंड मेकअप कर लो, सीपी हमें 10 मानना, सीधी सी बात ये लो। अब सीपी आपका हो गया 10, इसको कहीं भी एक कोने में लिख दो, ये लो मैं ऊपर लिख देता हूं, सीपी हो गया आपका 10, ये लीजिए। अब फेस टू फेस का रूल लगा लो दीपक, सीधी सी बात है, 4500 रुपए आपको दिया गया है, 4500 जो आपका एसपी है, और एसपी के सामने एसपी लिखोगे, और ये रहा, यहां पर आ जाएंगे 1/10 का लॉस, यानी 10 पर 1 का लॉस, और यहां सीपी 10 है तो 10 पे 1 का लॉस करोगे तो 9 रुपए लिखोगे, फिर वो यहां पर आ जाओ, जो आपको ये बताना सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट पर ही रहा। 1/5 का प्रॉफिट का मतलब होता है दीपक 5/1 का प्रॉफिट, तो 5 पे जब 1 का प्रॉफिट होगा तो मुझे ये बताओ इस 10 पे कितना प्रॉफिट होगा, 2 का, तो जब 10 पे 2 का प्रॉफिट होगा तो वस्तु को आप सेल करोगे 12 का, तभी तो होगा। और बस कुछ नहीं करना यहाँ पे, आप ये 50 टाइम्स कर दो, 50 × 9 = 45, 500 गुना, और यहाँ पे भी 500 गुना कर दो दीपक, 12 × 5 = 60, और 2 जीरो और लगा दो आगे, जवाब आ गया 6000 हमारा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स ये बताओ जरा, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, आज तो बस इतना ही रहेगा, एक क्वेश्चन, ठीक है चलो बस इतना ही रखते हैं आज, ज्यादा नहीं पढ़ते अभी, जरा लीव मत करना, मैं जरा कुछ बच्चों से बात कर लूँ जरा।